are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination a world that tests your luck and is beyond limits but the question is are you ready to jump if it is a yes then you have jumped into the world of ultimate entertainment welcome to yola 247 a place of fun indulgence and endless surprise

आप किसी बंदे से मीडिया का आउटलेट खुलवाइए उसको पैसे दीजिए और किस तरीके से वही बंदा अपने खुद के देश के खिलाफ काम करेगा यह कहानी है दोस्तों नेवल रॉय सिंघम नाम देखिए इसका नेवल रॉय सिंघम है इसका नाम नेवल रॉय सिंघम की कहानी है और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक इन्वेस्टिगेशन करा है जिससे यह पता लगा है कि साहब ये जो बंदा है यह कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से इसने हाल ही में अड़तीस करोड़ रुपए प्राप्त करे अड़तीस करोड़ रुपए इसके अलावा इसने सिर्फ इधर ही नहीं इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन थी न्यूज क्लिक न्यूज क्लिक ने पांच अलग कंपनियां खोली सबका एक ही एड्रेस दिया एक ही एड्रेस दिया पांच अलग कंपनीज का और एक एड्रेस देने के बाद एंड में यह पता लगा कि साहब यह अलग अलग रूप से चाइना से पैसे ले रहा था एंड हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स मतलब हजारों करोड़ रुपए यह चाइना से ले चुका है और सिर्फ भारत में नहीं ब्राजील में फंडिंग करी अमेरिका के अंदर फंडिंग करी थिंक टैंक मैसेच्यूसेट में वहां पे फंडिंग करी इवेंट स्पेस था मैनहट्टन में वहाँ पे करी एक साउथ अफ्रीका की पॉलिटिकल पार्टी को इसने फंडिंग करी आ, ये जो नेवल रॉय है ये इंडियन ओरिजिन का है नेवल रॉय सिंगम और इसने और भी काम करे कोड पिंक करके एक एन एक है कोड पिंक के साथ इसने फंडिंग करी या आप फोटोग्राफ देख सकते हैं इसकी कोड पिंक की जो आ, जो हेड है या वाइस हेड है कोड पिंक की उसके साथ इसकी फोटोग्राफ्स सा आई हैं तो यह जो आदमी है नेवल रॉय सिंघम नेवल रॉय सिंघम ने पूरी जान लगा दी कि कॉम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से पैसा ले और भारत को ब्राजील को और कुछ देशों को यह नुकसान पहुंचाए दोस्तों अब ये पकड़ा गया क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टर इसके पीछे लगी हुई थी अमेरिकन एजेंसी इसके पीछे लगी हुई थी इसको पकड़ लिया और न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक पूरी स्टोरी करी है इसके ऊपर कि किस तरीके से यह आदमी झूठ बोलता था किस तरीके से भारत में इसने परेशानियाँ फैलाई किस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्रिएट करना इसने शुरू करा है और ये काम इसने ऐसे करा है कि पैसे लो चाइना से और भारत में ब्राज़ील में साउथ अफ्रीका में गदर मचाओ पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है वो भारत आ रही है वर्ल्ड कप खेलने के लिए मुझे लगा था थोड़ी सी गहरत होगी थोड़ी सी इज्जत बाकी होगी जब इंडिया मना करेगा कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे एशिया कप के लिए तो पाकिस्तान भी यही कहेगा कि साहब हम भी नहीं आएंगे अगर आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे हम आपके यहाँ नहीं आएंगे साफ सीधी बात है सिक्योरिटी का चेक करवाओ ये करवाओ हम ऐसा करेंगे एक पैनल भेजेंगे ये सब बेकार की बातें बेवकूफ़ी की बातें यू शुड बी ब्लंट एंड यू शुड बी एब्सोल्युटली टू द पॉइंट भारत ने बोला हम नहीं आएंगे यार तुम्हारे यहां कहानी खत्म हो गई पाकिस्तान को भी ये कहना चाहिए था कि तुम एशिया कप के लिए आओगे हम तुम्हारे यहां नहीं आएंगे वर्ल्ड कप के लिए लेकिन पाकिस्तान ने बोला बहुत कुछ जिसको उत्तर प्रदेश में कहते हैं ना दोस्तों भोकाल बहुत ज़्यादा बचाया बात। भोकाल फुल है उसका लेकिन काम नहीं है और भोकाल खुद ही आपस में और कोई दूसरा नहीं मान रहा है इनका भोकाल ये खुद ही आपस में कर रहे हैं आप देखिए रमीज राजा इनका चेयरमैन पीसीबी का अगर इंडिया नहीं आएगा तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे मैं भारत को चेतावनी देता हूं मैं भारत को वार्निंग देता हूं उसके बाद आए नजम सेठी साहब नजम सेठी ने भी वही बात करी कि हम क्यों जाएंगे भारत आप देख लीजिएगा हम बिल्कुल भारत नहीं जाएंगे बिल्कुल भारत नहीं जाएंगे पूरा माहौल बनाया पाकिस्तान में और पाकिस्तानी खुशी से झूम उठे नजम सेठी के बाद एक और साहब आए उन्होंने भी यही बात बोली कि हम बिल्कुल भारत नहीं जाएंगे इनके अलग अलग नेताओं ने भी यही बात बोली कि हम भारत नहीं जाएंगे क्योंकि भारत एशिया कप के लिए नहीं जाया था तब तक तो मुझे लगा कि हाँ उम्मीद है लेकिन क्योंकि मैं पाकिस्तान को ना बीस पच्चीस साल से फॉलो कर रहा हूँ कहीं ना कहीं मुझे शक था कि जितने भी लाहौरी हैं ना ये चूरन बेच रहे हैं मुझे ऐसा लग रहा था कि लाहौरी चूरन बेच रहे हैं तो फिर मैंने पकड़ा जरा रहा नस्को इनकी कि टटुलू में ज़्यादा तो मैंने पता लगाया पता लगाया धीरे 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 आज खबर आ गई कि तो आ रहे हैं इंडिया तो इतनी जो बकवास करी थी इतनी जो फालतू में माहौल बनाया था कि हमें गैरतमंद कौम है और हमारी बड़ी इज्जत है और हमारा बड़ा ये हम जज्बाती लोग हैं और ये सब जो पाकिस्तानी अपने बारे में कहते हैं कुछ नहीं है ये पैसा लेने के लिए आए यहां पे इंडिया और एक मैं और बात कह दूं पाकिस्तानियों से कि साहब जो ये पाकिस्तानी कहते हैं ना कि साहब पाकिस्तान इसलिए आ रहा है इंडिया वर्ल्ड कप खेलने के लिए क्योंकि पाकिस्तान ये नहीं चाहता कि स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स करा जाए तो अगर स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को मिक्स नहीं करना तो फिर स्पोर्ट्स और ट्रेड को क्यों मिक्स करा आपने आपने जो पाँच अगस्त 2019 के बाद जब इंडिया ने तीन सौ से हटाया सबसे पहले पाकिस्तान ने 48 घंटे के अंदर भारत के साथ सारी की सारी ट्रेड बंद कर दी हमें कोई फायदा नहीं हो रहा था पाकिस्तानी ट्रेड का मैं तो दोस्तों यहां तक कहूंगा कि जो भारत ने दवाइयां भेजी पाकिस्तान को पाकिस्तान ने उसके तक पैसे नहीं दिए तो पाकिस्तान से ट्रेड करके तो हमारा ही नुकसान था हमें फ़ायदा नहीं हुआ कुछ लेकिन पाकिस्तानियों को ऐसा लगा कि साहब ये बहुत बड़ा भारत को झटका दे रहे हैं तो आप जब सियासत को और ट्रेड को आप मिक्स कर सकते हैं तो फिर दूसरे की तरफ उंगली उठाने का आपका क्या हक बनता है अच्छा द न्यूज करके एक पाकिस्तानी अखबार है उसने ई लिखी यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को और यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को बोला कि साहब इमरान खान को अरेस्ट कर लिया गया है आपकी क्या प्रतिक्रिया है आप क्या सोचते हैं इसके बारे में क्या रिएक्शन उन्होंने बोला साहब आपका अंदर का मामला है हम कुछ भी नहीं सोचते इसके मामले में तो पाकिस्तानियों को ऐसा लगता है कि जो भी पाकिस्तान में होता है ना उससे एक बार दुनिया या धरती हिलती है क्योंकि पाकिस्तान बिल्कुल बीच में है और पूरा ब्रह्मांड उसके गोल गोल घूमता है ऐसा पाकिस्तानियों का मानना है तो अमेरिकन ने साफ कह दिया आपका अंदर का मामला हमसे क्यों रिएक्शन चाहते हैं आप इट डज नॉट मैटर टू अस एक तो यह बात है दूसरी चीज बोला कि साहब आप इसके बारे में क्या कहते हैं इमरान खान अक्सर आपको यह कहते थे कि साहब आपने उनकी सरकार गिराई है सरकार गिराई है तो उन्होंने बोले सब झूठी बातें हैं राइट ये सब सिंपति गेन करने वाली बातें हैं और वी हैव नथिंग टू डू विद इट मतलब इन दैट सेंस उन्होंने ये नहीं बोला कि सिंपति गेन करने वाली बातें लेकिन उन्होंने बोला सब झूठी बातें इनमें कोई इनमें कोई तथ्य है नहीं uh, मैं ये मानता हूँ कि इमरान खान को ये बात पता थी कि पाकिस्तान में uh, जो पुरानी कहावत है ना कि जिस थाली में खाओ उसी में छेद करो ये पाकिस्तान का एक नेशनल कैरेक्टरिस्टिक है कैसे देखिए पाकिस्तान को सबसे ज्यादा फंड किसने दिया अमरीका में अमरीका ने दिया सबसे ज़्यादा फंड आज तक पाकिस्तान को ठीक है चाइना वाले लोन नहीं दिए ग्रांट दिए ले जाओ भूल जाओ खा लो डकार भी मत मारो इस प्रकार का पैसा दिया अमेरिका ने किलो किलो के हिसाब से भर भर के कंटेनर डॉलर भेजे लेकिन सबसे ज्यादा बुराइयां किसकी होती हैं गालियां सबसे ज्यादा किसको पड़ती हैं पाकिस्तान में अमेरिका को क्यों पड़ती हैं ये तो भगवान ही जाने खैर एक जो वफादारी होती है ना किसी से कोई आपकी मदद करता है तो आप उसके एहसानमंद होते हैं आप वफादार होते हैं यह पाकिस्तानियों में है नहीं मामला तो इमरान खान को पता था कि मेरे जितने भी फॉलोअर हैं मेरी पूरी कौन ऐसी है कि डॉलर खा जाएगी लेकिन फिर भी गालियां अमेरिका को देनी उसने उस चीज का फायदा उठाया खैर इमरान खान इस वक्त जेल में है और दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता पीटीआई के फॉलोअर्स को ऐसा लगता था कि धरती हिलेगी आसमान बीच में से फट जाएगा पहाड़ रास्ता दे देंगे नदियां बहना शुरू हो जाएंगी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ पाकिस्तान में भी कुछ नहीं हुआ दोस्तों पाकिस्तान के अंदर कुछ नहीं हुआ इसका थोड़े लोगों ने झंडे वंडे डंडों में लगा के कुछ करा इसके अलावा कुछ नहीं हुआ जो पहले नौ मई में जो हुआ था वो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो फिर इसमें काफ़ी परेशान वरेशान हो गए ये सब लोग पाकिस्तानी की ये कुछ हो क्यों नहीं रहा है लेकिन पाकिस्तानी खापी की देखिए बात ये है ना कि इस बार जनरल आसिम मुनीर ने कट टू तो कट एक बात करी है अगर तुम लोग इस चीज़ के बीच में पड़े तो फिर देखना पाकिस्तानी फौज का कहर और पाकिस्तानी फौज बाकी दुनिया भर के सामने सरेंडर कर दे लेकिन अपने मुल्क के लोगों के ऊपर हर समय उसकी फतह होती होती है ये पाकिस्तानी फौज का ऐलान है तो दोस्तों ये थी आज की खबरें अगर आपको खबर पसंद आई हो तो लाइक का बटन जरूर दबाइएगा कल फिर हाजिर हूंगा मैं एक नई खबर के साथ तब तक के लिए हिंद